नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बगैर भगाए पूरा अंतर जरूर देखिएगा कि आप लोगों को लाइफ जो है वो सुंदर बन करके रहे। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये जो है ये देख लीजिए, आपके हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में ना हो, ये आयोडीन नमक है। आयोडीन नमक के का खासियत है और क्या इसमें गुण पाया जाता है? दोस्तों, अगर आप लोगों को गर्मियों के मौसम में लकवा रोग से बचना है, दोस्तों ये नमक जो लोग कांचा यानी खाना है खाते हैं, उसके साथ में ये आयोडीन नमक ज़्यादा खाते हैं, तो जिन लोगों के शरीर में गर्मी महसूस होती हो उनके बारे में हम बता रहे हैं। अगर जिन लोगों को गर्मी महसूस शरीर में होती हो, तो खाना में ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लकवा की बीमारी हो जाती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपके शरीर में लकवा की बीमारी कभी हो गया है दाहिने अंग में, तो ये नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए कांचा, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, अगर आप लोगों की अस्थमा की बीमारी है, तो अस्थमा जब भी जोर करे तो एक गिलास पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच नमक डाल लेना है और उबाल लेना है। आज जैसे चाय पीते हैं आदमी, वैसे पीना है, आपकी अस्थमा की तुरंत नाश कर देता है ये आयोडीन नमक। और कभी भी इस आयोडीन नमक में, आधा केजी आयोडीन नमक में 200 ग्राम काला नमक इसमें मिला लेना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए, और मिक्स करने के बाद में तब सब्जी में डालना चाहिए। सब्जी में वैसे बनाने से आप लोगों को कोई बीमारी जो है वो नहीं होगी शरीर में। जब शरीर में गर्मी महसूस नहीं होगी तभी कोई बीमारी नहीं होगी, नहीं तो ये जो है आयोडीन नमक बहुत ही हानिकारक होता है ये, और नहीं खाने पर भी घेघा बीमारी पकड़ लेता है, और क्या है कि सूजन फूजन, डांड में दर्द, पीठ में दर्द होता है। तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। और आप लोगों को अस्थमा की बीमारी है, कभी जोर कर दिया तो इसमें सुसुम पानी करके, या कभी पिरवी चढ़ने लगता है हाथ में पैर में, तो आपको थोड़ा सा एक चिटकी डाल देना है पानी में, सुसुम कर लेना है, सुसुम करने के बाद में आपको पी लेना है। तो इस नमक में इतना गुण पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि माता दुर्गा जी आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे और देती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें, मस्त रहें।